मम नाम शिवांश दुबे अस्ति, अहम पंचमा कक्षायां पठामि, अद विशेष वंदना अस्ति। मम ऋषभ सेठ अस्ति। मम मनुम फातिमा अस्ति। मम परिधि कसेरा अस्ति। विद्यारम्भे श्री गणेशा भक्ति युक्ति स्मार्यम स्मारामि कमलारूढ़ा विद्या देवी सरस्वतीम। इस वंदना का अर्थ यह है, विद्या आरंभ करते समय मैं श्री गणेश भगवान को भक्ति चित्त होकर स्मरण करती हूँ। इसी भांति कमल के फूल पर विराजित विद्या की देवी माँ सरस्वती को वंदन करती हूँ। अरुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समान गोरे हैं, करुणा दया के साक्षात अवतार हैं, संसार के सार हैं, जिनके गले में सांपों का हार है, जो सदा मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं। मैं पार्वती सहित भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ। त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस वंदना का अर्थ यू, आई एम अनुष्का गुप्ता फ्रॉम क्लास 5। टुडे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द मॉडल सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, इक्लिप्स एंड द फेजेस ऑफ द मून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। सो लेट्स स्टार्ट। Solar eclipse. A solar eclipse happens when the moon comes in between the sun and the earth. Then the moon blocks the light of the sun from reaching the earth's surface and casts a shadow on it in the position of this. Its shadow blocks the face of the moon. This is known as lunar eclipse. Lunar eclipse also known occurs only a full moon day. Changing shapes of the moon that we see every night, they are called phases of the moon. There are 8 phases of the moon. Next will be explained by. Thank you. The names of the phases are according to the shapes of the visible part of the moon. They are half moon, waning crescent, new moon, waxing crescent, half moon, waxing gibbous, full moon. Giri from class 5. Today is our presentation and our topic is United Nations and Agencies of United Nations, which is given by our subject teacher Neeta ma'am. The UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, National Cultural Exchange, Scientific Columbus to foster. United Nations is an international organization founded to promote peace, cooperation and development. It facilitates dialogue among nations, addresses global challenges and work towards sustainable solutions. World Health Organization, WHO, is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health. It provides policy and offers technical assistance to countries. Now, the International Children for Association and provide humanitarian and development assistance to children, and mother worldwide is to. I am Snehavna from class 14. आज हम आपको बताएंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। पर्यावरण को बचाने हेतु बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार समझ सकते हैं। 1974 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया। आंदोलन 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में किया गया था। 1731 में अमृता देवी समेत गांव की कई बेटी ने वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। राजस्थान सरकार द्वारा हितैषी व्यक्ति व संस्थाओं को अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। वैष्णव चिपको आंदोलन भी विश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। इस आंदोलन के प्रणेता चंडीप सदभट और सुंदरलाल बहुगुणा है। वन शक्ति और वन्य जीव संरक्षण अभियान के अंतर्गत कई संघ और कानून बनाए गए। कई देशों ने मिलकर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के उपायों को अपनाया, जैसे कि प्लास्टिक बैगों को प्रतिबंधित किया। क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें देशों ने अपनी वायुमंडलीय गैसों की छूट कम कराने के लिए योजना बनाई। पेरिस समझौता, दुनिया भर के देशों ने अपने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए मिलकर काम किया। अतः हम सबको अपने पर्यावरण को बचाना होगा। ऑर्गन्स ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी आर द इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन्स, मसल्स, स्केलेटन्स, नर्व्स, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरीज, लिम्फेटिक्स आर द सम एग्जांपल ऑफ इंटर सिस्टम।
biological system consisting of a group of organs that work together to perform. Next will be explained by Mahi. The adult skeleton is made up of 206 bones. These bones include spine, ribs, arms and leg. Thank you, and next will be explained. The function organs depends of its organ activities. Organ and organ system in the human body. The five vital organs in the human body are the brain, heart, lungs and kidney. The other organs in the gallbladder. Hey everyone, my name is Satul Giri from Club 5th. Today is our presentation and our top subject teacher Ira ma'am. Fountain were originally purely a functional connected to the springs or aqueduct used to provide for washing the residents of city. Fountain are designed with efficient water circulation system that minimize water wastage. This system ensures that water is called news is that the water fountains can role in reducing the urban heat island effect. This is because reduce the water through the water of Hello everyone, I am Divyanka Sharma from class 5D. Today our presentation and our topic is drought flood prone area. Cold desert, hot desert, tsunami and cyclone area affected. This topic is given by our subject teacher Neeta ma'am. Flood. The flood are common during the monsoon season. Heavy rainfall in many places causes river to overflow and almost submerge the area alongside Bihar, West Bengal, Kerala and Assam experience flood almost every year. Tsunami. Tsunami are usually caused by underwater earthquake or underwater volcanic eruption. In India, tsunamis do not occur frequently. Whenever, since our country is surrounded by water bodies on three sides, we must stay alert and be prepared to face the situation. Next generation. Drought occurs in region place where there are no little or no rain. India has required a few drought prone areas: Andhra Pradesh, Odisha, and this area is affected by cyclone. Cyclone are caused by wind, which in Bay of Bengal and Arabian Sea, Odisha, and Maharashtra are some state affected by cyclone. Or hot desert in Rajasthan. India has a Thar desert, a hot desert in the northern western part of country. Known for its arid condition, high temperature and shifting sand dunes, the Thar experience. बात हम सब कक्षा 5 के छात्र हैं. हम सब आपके समक्ष हुमायूं के मकबरे के बारे में बताने जा रहे हैं. हुमायूं का मकबरा दिल्ली भारत में स्थित है. हुमायूं का मकबरा 140 फीट ऊंचा है जो एक 14 मंजिला इमारत के बराबर है. अगर बगीचे से मकबरे को देखें तो गुंबद बहुत ही ऊंचा लगता है, परंतु अंदर केंद्र कक्ष से ऊपर की ओर देखें तो यह छोटा लगता है. हम लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है. बच्चे यहाँ पे इतने एंथुसियाज्म के साथ खड़े हैं और इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है. हम सबको इन लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, इनके मोरल को. बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, सबका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है. वेल डन बच्चों. माय नेम इज संकेत गुप्ता, स्टडी इन क्लास 4th. We are telling about the rotation with help of this model. Human motion of the earth, its axis defined as rotation. One rotation takes 24 hours or a day. During the day and the moon shines at night. When the earth faces away for the sun and the moon are different sides of the earth and the earth rotates facing one and then the other. The earth moves to cause day and night. Thank you. From class 4B, our topic is filtration from the water purification working model. They are my friend Manvi, Zetul, Mahi, Kaveh, myself, Amanada. Our purpose how to clean water. The purpose of water purification working model is by using gravel, sand, sandstone and cotton. You can easily demonstrate it pure water. You know about the purpose of water purification working model as my friend said. Take four glass in which sand, clay, gravel, cotton are kept respectfully, and then you can take another container where water is going to store. Once you mix all this debris and all unwanted things into this water and then pour onto this setup which have done, then now where we are going to pour the water. Pour the water, you can see here from the top, which is going to flow very easily from top to bottom. Container, we can easily see water is getting purified.
Ratnagiri. We are studying class 4C. We are going to represent water distillation model. Distillation is a process in which insoluble impurities are removed. It is the purities from water and does not... Distillation water is boiled and is changed into water vapor. This water vapor... This gives us purest form of water and is called distilled water. And it has no germs and impurity. Is used to occur. I am Manvi and Aditya. We are studying in 4D. Our topic is atmospheric layer. Our earth is surrounded by a thick blanket of air called the atmosphere. This atmosphere, in fact, of the sun, contains important gases. Atmosphere can be divided into 5 different types of layers. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. Troposphere, this layer is closest to Earth and contains the air that we breathe all weather. Protect us from matter as most of them are burned in this layer before reaching the Earth. Of the space station are present in this layer, exosphere, it is the outer... TV100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग साख और प्रतिष्ठा बना चुके SN पब्लिक स्कूल मुजफ्फरगंज के प्रांगण में हम इस वक्त मौजूद हैं और तमाम छोटे और बड़े छात्रों का अद्भुत प्रदर्शन देखकर उनके अभिभावक भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हैं। बेहतरीन शिक्षा का माहौल और अद्भुत बच्चों के अंदर क्षमता के पीछे क्या कहानी है, हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन और बेहतरीन क्षमता बच्चों के अंदर दिखाई दिया। अपनी टीचर्स टीम, जो 10 टीचर्स टीम है, पूरे एक्सपीरियंस टीचर अपने हैं और वो बच्चों को बेस्ट गाइडलाइन देते हैं जिससे कि वो बच्चे अच्छा रिस्पांस दे पा रहे हैं और हर स्टेप पे हम लोग गाइड करते हैं। गाइडलाइन देने के बाद बच्चे उसको जो है परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। हमें इन बच्चों का परफॉर्मेंस देख के रियली बहुत अच्छा लग रहा है और उनकी प्रतिभा को देखते हुए लगता है कि दे आर वेरी जीनियस और वो बहुत अपने ही फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। तमाम क्षेत्र जो है में बच्चे काफ़ी माहिर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो करेंसी का क्षेत्र हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर कौन सी पैदावार सर्वाधिक होती है उसको बच्चों ने बखूबी व्याख्यान किया है। आपको लगता है कि ये उनके सिलेबस को भी और मजबूत करता है और उनके जो इच्छा शक्ति वो बढ़ाता है सब काम? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब बच्चों को बेस्ट गाइडलाइन मिलता है और पेरेंट्स का सहयोग मिलता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में वो निखार और परफॉर्मेंस मिल के आती है। और यहाँ पे जो एडुकॉर्निवल हो रहा है इसमें बच्चों ने बच्चों के परफॉर्मेंस दिया है और हमें देख के आश्चर्य हो रहा है कि बच्चों ने रियली बहुत परफॉर्मेंस दिया हुआ है। मैम, बहुत अच्छा लगा। मेरे दो कज़न यहाँ पे पढ़ते हैं, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और स्कूल भी मैम काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, बिकॉज हम लोग सारे भाई बहन यहीं पे पढ़े बचपन से ही, नर्सरी से 12th यहीं पे हम लोगों ने पढ़ाई की है। तो काफ़ी अच्छा है बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होता है। We are going to explain about a clock. A clock is a device used to tell time moving heads on the face of and to the correct hour, minute and second. Clock has a number from 1 to 12. The long hand move. The hour hand move from one number to the next number in 1 hour. And is at 12, the hour hand is at 5, the time is 5 o'clock. Hello everyone, welcome to Edicornival. My name is Princy. My partner are Shreya, Priyanshu and Satyam. We are studying class 1st. Our topic is money. Today we are going to explain about Indian currency. We need money to buy everything in our daily life. Currency has coins and notes. The coins are available in India are 1 rupee coin, 2 rupee coin, 5 rupee coin and 10 rupee. And the note available in India are 1 rupee note, 2 rupee note, 5 rupee note, 10 rupee note, 20 rupee note, 50 rupee note and 100 rupee note. We need 10 1 rupee coin to make it 10. Yes, and school to bahut acha hai, matlab jo bhi kahe, I think अच्छा है, बेटर है, बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तैयारी में। एक तो LKG में है और दूसरा बच्चा क्लास 1st में है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है बच्चे ने। हाँ, बहुत अच्छा, सेटिस्फाइड हैं आप? हाँ, स्कूल वाले भी करवाएं, बच्चे भी प्रयास किए हैं। बच्चा जो पहला बच्चा है क्लास 1st में जो है,
वो मतलब कि शुरू से ही यहीं से पढ़ रहा है, तो तब से लेकर आज तक क्लास फर्स्ट में चला गया है। उसे नहीं कहीं नहीं पढ़ता, सब तैयारी स्कूल से। यहाँ पे मेरी बेटी ये SM स्कूल ब्रिक स्कूल है, यहाँ पर मेरी बेटी पढ़ती है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। और आज यहाँ पे एडू कार्निवल था जिसमें मेरे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और बच्चों का जितना अभी हुआ हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी का नाम अवनी है, वो LKG। प्रशिक्षित अध्यापकों के जरिए बच्चों का ये पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, कौन कौन से क्लास के बच्चे इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? हाँ, दसवीं क्लास के बच्चे हैं, LKG है, 1 है, 2 है, 3 है, क्लास 4th है, 6th, 7th, क्लास 8 तक के सभी बच्चों को उनको जो है इसमें पार्टिसिपेट कराया गया है। और इस पार्टिसिपेशन में बच्चे बड़ा अलग ढंग से अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, और मैं अपने टीचर का थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह का गाइडलाइन दे के बच्चों को जो है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार किया हुआ है। SM स्कूल का अब बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका है, लोगों को उम्मीद है कि आप जल्दी ही चौथा सेंटर भी खोलने वाले हैं, क्या लोगों को कहना चाहेंगे आप? कि हम चाहते हैं कि भाई बच्चों में जो है परफॉर्मेंस जो है शेपिंग फ्यूचर नर्चरिंग टैलेंट के आधार पे हो, और बच्चों का करियर हमेशा ब्राइट हो, और जो हमारे गार्जियंस हैं वो हमेशा सेटिस्फेक्शन मिले उनको। और ब्रांच की बात तो अलग है, बसरते बच्चों के अंदर जो रिजल्ट है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। ब्रांच तो ईश्वर ने चाहा तो भाई समय समय पे खुलता रहेगा, वो सब मिर्ज़ापुर के जनमानस का सहयोग रहा है ये जो हुआ, उसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग नहीं है। आप जैसे बड़े भाइयों का गाइडलाइन मिलता रहा है, हमारे टीचर्स का गाइडलाइन मिलता रहा है, और हमारे जो गार्जियंस का गाइडलाइन और सहयोग मिलता रहा है, वो ही हमें आगे ले जा रहा है, वही मुझे साहस और मार्गदर्शन मिलता रहा है इससे। हमारा नमस्कार, मैं पढ़ते हैं, हमारा आज का विषय सब्जियों की स्टैंड है। मुझे सब्जियों का राजा कहते हैं, पूरी दुनिया में मेरा ही उपयोग कर सबसे अधिक व्यंजन बनाए जाते हैं। मैं कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत हूँ जो आपको ऊर्जा देता हूँ। करूँ, मेरा रंग लाल होता है, मुझे विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है, मैं आपके दिल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता हूँ, मैं सब्जियों का स्वाद बढ़ाता हूँ। गेहूँ में हरे रंग की होती हूँ, मेरे अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जो आप खा सकते हैं। मैं पोषण तत्व से भरपूर हूँ, मैं शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हूँ। जरूर, मुझ में विटामिन ए पाया जाता है जो आपके आँखों के लिए बहुत बहुत फायदे होता है। लोग मुझे हलवा और सलाद के रूप में खा सकते हैं। चाहोगे मेरे साथियों से तो चलो देखो। मैं हूँ व्हाट्सअप, पूरी दुनिया मेरे की रस में, बच्चा बूढ़ा है जवान सभी दीवाने हैं मेरे। नाम है मेरा, इस नाच चीज को टिकटॉक कहते हैं, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता, मैं सबको पागल कर दूंगा, इसको उसको और उसको भी। तो आप सब जानते ही होंगे मैं हूँ फेसबुक, मुझसे तो यह सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ था। मेरा कल एग्जाम है, आप मुझे प्लीज पढ़ा दीजिए। क्यों बेटा, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? टीचर ने समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा, मैं आप मुझे पढ़ा दीजिए। बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। वो भी अपने जाल में फंसाते हैं, लगान लड़की तुम हमारे जाल में पूरी फंस चुकी हो, हमारा नया शिकार, हमारा एक और शिकार। देखिए खतरे की कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बेटी की ये हालत हुई है। इस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे समय दीजिए, जैसे उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। कैसा समय आ गया है, रिश्तेदारों से ज़्यादा सोशल मीडिया को अहमियत दे रहे हैं, भूल गए हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखें और मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दें। अंतिम सवाल, अनुशासन की लोग जो है उदाहरण देते हैं SN पब्लिक स्कूल का, और जो छात्रों का जो सफलता का जो परिणाम है वो काफ़ी आकर्षण का जो है माहौल बना हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि इसको कायम रखना कितना मुश्किल होता है, और आगे बढ़ाना की कैसी तैयारी करेंगे आगे?
भाई डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को, डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से बच्चों को गाइड करना, और उस पर डिसिप्लिन में बच्चे जब वर्क करते हैं तो और आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तर्ज पे पूरा हमने इंग्लिश इन्वायरमेंट को मेंटेन किया हुआ है। आज अपने यहाँ के बहुत से बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए हैं जो कि 12वीं में हैं, लेकिन स्कूल के 7-8 बच्चों ने जो है IIT में क्वालिफाइड किया है, IIT मेंस में, और बड़ा आश्चर्य की बात है। हम अपने टीचर को पूरा श्रेय देना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को दूंगा और अपने बच्चों को दूंगा कि जिन्होंने 12वीं क्लास करते करते जो है IIT में सिलेक्शन हो रहा है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है, हमारे टीचर के लिए गर्व की बात है। और भाई ढेर सारी शुभकामनाएं उन बच्चों को है कि जल्दी से वो अच्छे परसेंटाइल लाए हैं और वो डेवलप करें। कौन ब्लॉक जैसे गांव में एरिया में जो रूरल एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं वहाँ से आके IIT में नीट में सिलेक्शन ले रहे हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट काफ़ी होता जा रहा है। तो हमने तो ये ठाना है कि हज़ारों बच्चों को IITian और डॉक्टर्स बनाना है, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और पूरे जनमानस को एजुकेशन का एक पूरा माहौल देना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने हमसे बात किया, समय निकाला। तो दरअसल संपूर्ण जनपद में SN पब्लिक स्कूल के निरंतर बेहतर परफॉर्मेंस के चलते शायद यही कारण है कि SN पब्लिक स्कूल इस वक्त लोहंदी और मिशन कंपाउंड में भी शिक्षा का एक बेहतर अवसर लोगों को दे रहा है। जनपद के इस अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि आज के इस कार्यक्रम में बच्चों का अद्भुत प्रदर्शन अपने आप में एक मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। तमाम लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में SN पब्लिक स्कूल में बच्चों का सिर्फ भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, बल्कि उनके परिवार और उनके जिले का भी नाम रोशन करने का मादा रखने वाला इस शिक्षण संस्थान में लोग प्रवेश के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। कार्निवल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अथर्व है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरा हिंदी क्रिया, मिलिए मेरे मित्र। किसी कार्य के करने आने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सकर्मक किया वह किया इसका कार्य उसके कर्म पर समाप्त होता है उसे सकर्मक किया कहते हैं, जैसे खाना, मांगना, गाना। ये रूप है, ये बच्चे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। इनके बच्चों के अंदर इतना उत्साह रहता है कि ये कुछ भी करने के लिए उत्सुक रहते हैं। बार ही मेरा बच्चा एडमिशन लिया है क्लास फिफ्थ बी में, जिसका नाम कार्तिक उमर है। मुझे तो यहाँ बच्चों को अपने एडमिशन करा के बहुत अच्छा लगा। यहाँ हर प्रोग्राम बच्चों को हमेशा मतलब आगे बढ़ने के लिए वो करते हैं, किया जाता है, और मतलब कुछ नया उसको कर दिखाने के लिए बहुत अच्छा, इसको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देता है और इतनी इसको रिस्पेक्ट वगैरह सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी इस स्कूल की। ये फुलफिलमेंट पूरा बहुत अच्छा लगता है। यस, बहुत स्कूल फ्यूचर सेट हो गया। हम Everyone, welcome. As first day, we are going to explain about pattern. A pattern is a repeated arrangement of number, shapes, color, and so on. The pattern can be related to any type of object. Shape pattern are particular sequence of shape that repeated in an orderly manner. For example, triangle, circle, triangle, circle, triangle, circle. Pattern are the pattern in which a list number that follow a certain sequence, for example 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. First, our topic is types of plants. There are different types of plants around us. Some plants are big while some small. Plants classified into several types based on their size and nature. Types of plants are tree. Mango, thick and strong stem are called trees. Mango is a tree. Plant that grow along the ground. Plant with woody stem are called shrub. Rose plant is a shrub. Tulsi, some small plants have soft and green stem. These plants are called herb. And have the stem they need support to grow. Carnival, we are in class first day. Our topic is animals around us. Many animals live on land. They are wild, pet and domestic. For example, lion, tiger are wild animals. Dog, cats are pet animal. Cow, sheep is domestic animal. We want to teach the fly with them. For example, pigeon, parrot. And also live on land. For example, fish, crocodile. They need home to protect themselves from heat, cold, rain, from other animals. For example, we live in beehive, bird make nests, live in canal. Thank you, ma'am. SN Public
मुजफ्फरगंज स्कूल के इस प्रांगण में आज तमाम ऐसे छात्र जो टीचरों को भी टक्कर देने का मादा रखने की क्षमता प्रदर्शित करते नजर आए। बृहद रूप से जबरदस्त तरीके से जो बच्चों की तैयारी है इसके पीछे काफ़ी मेहनत बताया जाता है, चाहे वो क्लासरूम का मेहनत हो, चाहे बच्चों के घर का मेहनत हो, तमाम तरीके से अभिभावक और स्कूल के प्रशिक्षित जो अध्यापक हैं उन्हीं का ये देन है कि आज बच्चे बढ़ चढ़ के न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि लोहा मनाने के लिए भी मजबूर हैं। तमाम क्षेत्रों के, तमाम आर्ट्स के, तमाम सेंटेंस के, तमाम श्लोक और कई भाषाओं का प्रयोग करते जब ये छात्रों को लोगों ने देखा तो निश्चित रूप से छात्र और मिर्जापुर जनपद में शिक्षा का एक नया आयाम भी दिखाई देता प्रतीत हुआ। The world in on under tell us position of people, animal and things that are called position. But for example, my pencil is in the box here in so the place where in my pencil. My copy is on the table here on so the position of copy that touch the table next. I live near the table here near so the place of mobile. Everyone, we are in class first. We our topic is weather word, the general condition of atmosphere at a particular time and place with regard to the temperature moisture is called weather. Windy is called windy day. Windy is a weather word. Rainy. Rain it is. Rain it is called rainy day. Rainy is the weather word. Sunny. When the sun is shining, it is called sunny day. Sunny is the weather word. Cloudy. When the sky is full of clouds and we cannot see the sun, it is called cloudy day. Cloudy is the weather word. Snowy. The day when a lot of snow has fallen is cold. Kosi, today our topic is Kavya. Welcome again. Uncle, how are you? Hi Kavya, I am well, thank you. What are you doing? Coloring. Come uncle, I will show you. Wow, this love looks lovely. Do you like drawing? Yes uncle, I love drawing. Which class are you in? I am in class first. See, my class teacher name is Preeti ma'am. Wonderful. Which school do you go to? So happy to hear that there is your papa. We are myself best friends and my studying class first. See, welcome to the carnival. Topic is sense organ. For example, eyes, nose, ear, tongue, some of the body parts. We have 5 sense organs, eyes, ear, nose, tongue and skin. Helps to see things around us. Ear helps us to hear sound. Nose helps us to smell things around us. Student of class 4C, our topic is homonyms. I have a bat in my closet. Here, bat is used for both a cricket bat and a melon. Students, please keep homonyms silent. Are words that have the same sound but have different meaning and different spelling. Few example, quarter first. Quarter means 15 minutes before and after every hour. Second quarter. Quarter means 1/4 equally part of something. Example. The right answer. Second right means write down. Seat lal love to write. मेरा नाम सुधाकर दुबे है. मैं बिंदासल से हूँ और मेरा भतीजा है यहाँ पे. Fourth standard में पढ़ता है. तो आज जो function है यहाँ पे आके देखा बहुत अच्छा लगा यहाँ पर. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे. जो मतलब इन्हें छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनके अंदर चीज़ें आ रही हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है. ये जो स्कूलों में हो रहा है बच्चों के प्रति ये हर जगह होना चाहिए. इससे बच्चे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनको. भविष्य के लिए ये सब तो एक तरह से चैलेंजिंग है सब चीज़ें. मैं मिर्जापुर से हूँ, विंध्याचल से हूँ और मेरा भतीजा पढ़ता है डांस में. और यहाँ पे आके अच्छा लगा है. फर्स्ट टाइम मैं उसका क्लास अटेंड करने के लिए. बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. वेलकम टू ऑटो कार्निवल. टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग ए पॉलिसन and train prevention. Now vehicle, lives, car, buses, many rockets also cause air pollution. The smoke coming from a factory is also cause air pollution and other harmful particles and cause serious breathing related issues. स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो अभी अभ्यास एक चल रहा है वो बहुत सराहनीय है और यथार्थ है. मेरे घर का बच्चा है, मेरे घर से 4 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरे 2 बेटे भी यहाँ से पढ़ के ही गए हैं. अभी वो बॉम्बे में और दिल्ली में सेटल्ड हो गए हैं और जो डायरेक्टर हैं यहाँ के स्टाफ हैं जो टीचर्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है.
बच्चे लोगों से काफ़ी अच्छा जो है प्रगति भी मिल रहा है, हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण केसरवानी है। फादर, द क्रॉप्स ग्रोइंग इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। एंड टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। Black soil, cotton, sugar cane, maize are some crops grow in the soil mainly found in your Deccan Plateau. The crop which can be grown in red soil are rice. Next is alluvial soil and crops are rice, wheat, jute. It is fertile, found in northern plain and coastal plain. Not least is mountain soil. It is found mainly in mountain region. Crops grown in it are tea, coffee, spices and some fruit. Talk about food crop and cash crop. The crop which we eat are food crop. Are for example rice, pulses, wheat, maize, etc. Crop are the crops which we grow to sold in the market. For example, tea, sugar cane, jute, cotton, etc. These are crops and soil grown and found in the different parts of India. Thank you. Hello everyone, my name is Pankhuri Mishra of class 4th and today we are going to explain about industry of India. Industry is a place where raw materials are converted into finished goods. Now Anshika will explain. To set up an industry, there are many factors you need to keep in mind. Raw material, power, money, transport and labor. One size based industry can be divided into three parts: cottage, small scale and large scale. Sir, we are from class 4 day. I am Shimal. Our topic is soil erosion. The process of soil is removed by the action of water or wind is called soil erosion. To show how plants protect soil erosion, first bottle. You can see that the soil could not wash away easily in this bottle as plants root hold it tightly. Learn factors such as deforestation, overgrazing, excessive use of fertilizer and dumping the industry waste called soil erosion. Check following step to conserve the soil. First, we should plant more trees. Second, we should not cut down the trees. Good morning everyone. My name is Sris Jaiswal and today we are going to explain you about types of triangles. So firstly, a triangle is a shape with three sides and three corners. There are six types of triangles that are: the first one is scalene triangle. A triangle in which all the angles are acute angles less than 90 degree is called an acute angle triangle. Second, right triangles in more than 90 degree is called an obtuse angle triangle. February, March, April, May, June, July, August, September, 10 days and some months have 31 days. January, March, July, August, shortest month of the year, it has only 28 or 29. Collecting the set of data and organizing and presenting it in a different way from is known as data handling. This is my project of data handling. It's a diet favorite food number of children: banana, lemon, orange, apple, pineapple. Favorite fruit. The most favorite food is apple. It's the least favorite food. Food is banana. Hey everyone, welcome to Educon Evolve. My name is Tran Pandey. But 7. As you can see, we are going to explain about money. Money is any item or medium of exchange that is expected by people for the payment of goods and services. One coin is called Indian rupees and the coin is called paise. 1 rupee coin is 100 paise. The symbol of Indian rupees is rupee. Money is into four coins and note. The shape of note is rectangle and the shape of the coins is circle. The note is made up of paper and coins is made up of use of money in everyday life. Money is used in following ways. It uses a medium exchange and facilitate the buy good like car, house, food, cloth, etc. It uses a deposit with the bank. Sir, no. 2,000 rupees, 100 rupees, 50 rupees, 20 rupees, 10 rupees. Welcome to EduConiver. Myself, Priyanka Yadav. Today, we are going to describe about division. Division means equal sharing or equal grouping. Division is a process of repeated subtraction. Division is a process of subtraction. There are four main parts of a division problem: the dividing, the division, the quotient and the remainder. Then is the splitting of a large group into smaller group so that each group has an 3 is equal to 2. 18th divided by 6 is equal to 3.
Hello everyone, we studying class 2nd. Our topic is season when the same type of weather condition for a longer period of time, it is called season. Season is summer, winter, autumn, rainy and spring. Summer we use fans to keep ourselves cool. Season, the rainy season in India is known as the monsoon. People wear raincoat, boom bag and use umbrella. To drive it stays. The winter season is very cold. We light bonfire to use heater. Woolen people wear. Hello everyone. I study in SN Public School. See, our topic is solar system. Our solar system is made up of stars, eight planets, and countless smaller bodies. Next, we have eight planetary bodies that move around it in a fixed part that. To the sun, Neptune, the furthest. Next. But that the planet follows is called an orbit. The sun and its family is called solar system. Next. The hottest planet, Earth, is our home planet. Mars is known as the red planet. Jupiter is the largest planet. Uranus is the coldest planet because it is made up of ice and rock particles. Thanks for. Welcome to Edu Carnival. Today we are going to present sources of water. Sources of water means from where we can find water or from where we can get water, like lakes, rivers, ponds, sea and ocean. These are natural sources of water. Rain is the main source of water. Lake is a large body of water that is surrounded by land on all sides. Largest water body contains a lot of salty water. River are the largest water bodies for fresh water. It is surrounded by land on two sides. Pond is a body of water. It is smaller than lake. It is surrounded by land on all sides. Hey everyone, my name is Aru Singh from class 5th D. Today we are going to explain the topic sentence and the type sentence. Let's start. Define sentence. A group of which make a complete sense is a sense. Declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Declarative sentence used to make a sentence. Interrogative sentence. Example of decorative sentence. I love my cat. My new car is black. Example of interrogative sentence. When will you visit? Next sentence. Please shut the computer. You should follow me. Next will be explained by Kinza. Exclamatory sentence. How beautiful the city is. Don't talk. Get out. Yes. Evening everyone. Today I am Anyam. My group 5th A. Going to represent my model. Energy. What is energy? The energy is possessed by moving wind is called wind energy. The form of which helps living beings to hear various sound is called sound energy. Solar energy. The energy we get from the sun is called. सभी को हमारा नमस्कार. हम कक्षा एक वर्ग बारह में. हमारा आज का शीर्षक नाम वाले शब्द है. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को नाम वाले शब्द कहते हैं. जैसे कार, जंगल, नाम वाले शब्द है. मेरा नाम वंशा हुआ है. कक्षा एक. अच्छा तू. मेरा विषय हिंदी है. मिली मेरे दोस्त से. इनका नाम अभिषेक. वो दो तीन चार आप चले टूटू मिला पाँच छः सात आठ चल कर देखे राजमार नौ दस ग्यारह बारह चले चांदनी चौक बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह Sir, welcome to Edu Carnival. Myself, Rishi Mishra from class 4B. Today we are going to explain about present and to the future. We can measure time using clocks. Next, we have 24 hours. We use AM to tell the time running from midnight to noon and PM for the time running noon to midnight. 12 is written as 12 noon and 12 o'clock at midnight is written as 12 midnight. 12 numbers written on it from 1 to 12. It has an hour hand and a minute hand. Some clock have a third hand as well. It shows time in second and is 12 hour clock to measure time but railways, airlines and buses and newspaper. Use the 24 hour clock. On the 24 hour clock the as 4th AM we are going to represent decimal. A decimal is a way of writing a number that is not whole in a double number part and decimal part. Both of them are being separated by a dot. On the left side of a decimal point are whole number 3 to 4 is whole number. Right side of a decimal point are the parts of whole number. Number called is decimal place. For example,
Everyone, welcome to Edo Carnival. Everyone, welcome to Edo Carnival. We all are of class 4C and we are representing measurement. Measurement is a basic concept of the study of mathematics and science. Measurement to measure the height and certain object. Here meter is a basic unit, kilo is a bigger unit, milli is a smallest unit. Measurement from a smaller unit to bigger unit larger by dividing 10, 100, 1000, etc. For any two units, we convert the larger unit to a smaller unit by multiplying 10, 100, 1000. Welcome to Edo Carnival. Myself, Janvi, from class 4-3. Today we are going to describe about fraction, like fraction. Fraction which the same denominators are called like fraction. In like fraction, the whole is divided into same number. A fraction where the numerator is smaller than the denominator is called a proper fraction. For example, 1 upon 4 and 3 upon 4 and 7 upon 10 are the example of proper fraction. Next one. A fraction. Forms of the earth, the entrance a large area of land that is flat is called a plain. All of you today, welcome to Edo Carnival. Plate is a slightly raised land with a flat of plate usually look like a tabletop. Morning all of you, welcome to Edo Carnival. Hill land that is higher than the plains is called hill. It is neither very hot nor very cold. Desert is a hot and dry place. Cactus is a special kind of plant that is found in desert. Mountains are higher than hills. It is a very cold. Most of the high mountains have snow covered. The new area of land between hills or mountains is greater than 90 degrees but less than zero degree is called acute angle. For example, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees. An angle whose measure 90 degrees is called right angle. Next, we'll explain Sujay. Today, I will explain obtuse angle. Obtuse angle, an angle which measure straight angle 180 degrees, 120 degrees, 160 degrees, and 95 degrees. Next angle with straight angle. An angle whose plane reflex angle. An angle whose measure more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. Complete angle. An angle whose measure 360 degree is called complete angle. Good morning everyone. Welcome. Water resource. Water resource are natural resource of water that are potential useful of humans such as source of drinking water, supply or irrigation water. 97% of the water is salty water and 3% of the water is fresh water. Next will be explained by Ishrat. It is a precious and natural resource on the planet Earth. It is all around you. Nearly 2/3 of the Earth's surface is filled with existing on our planet. All living things rely on water, and without the air, with no life, we human can survive without. It's important in the water cycle. The water resources are like pond, canal, the river. From where water evaporates, the main source of water are rain, grow water, ice, rivers, stream are natural. Like a girl from class 5th, we today explain by natural disaster. Natural disaster are 4 types: earthquake, volcanic eruption, drought, and tsunami. Let's start it. Earthquake is one of the natural disasters in life. First, an earthquake is the result is a sudden incident and earth crust will become a seismic wave. Second, and the primary cause of an earthquake crust of the earth. Third, of intensity and disaster where magma, hot liquid rock comes from magma under the ground. Volcanoes along destruction and contraction push together, drag a path. It is mainly 3 types of volcano. Active natural disaster, which when a 100 miles of tools comes first. Classes I will explain by lunar and solar eclipse. There are 2 types of eclipse, lunar and solar. During a lunar eclipse, the moon blocks the sun
come between the sun and blocking the sunlight falling on the moon. There are two kinds of lunar eclipse. A total lunar eclipse happens when the sun and moon are Eclipse come from inward, meaning outward domain. The maximum phase of a total solar eclipse, maximum phase of a total during which the moon takes completely cover the sunlight. On 8 April 2024, total solar eclipse will be crossed North America, passing over Mexico, United States, and Canada. Thank you for listening us. Nihal, hi Nihal. I have a little confusion in declarative sentence. Can you explain me with example? Yes, sir. When we make a statement, express opinion, it comes under the declarative. I want to visit London. This make a statement. The soap is the best I have had. In this sentence, we are express an opinion. Stand it. Welcome, Sivans. Thank you. Sivans, I have also a little confusion in imperative sentence. Can you tell me about this? Yes, I will. This sentence, when we give command or make order, it's come under the imperative sentence. For example, go and off the fan. This is an example of imperative sentence, and it is here is we are making an order. I'm confused about exclamatory sentence. Can you explain me what is exclamatory sentence? Yes, sure. When we express great emotion or feeling, at the end we put an exclamatory mark. It come under exclamatory sentence. For example, it is too hot. This express emotion. I won the prize. पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो एक से अनेक अर्थ को कहा जाता है. चलो अब तुम बतावा दे. पानी का तुम बतावा दे. पानी का पर्यायवाची शब्द जल नील वायु. बात चलो वैष्णव की तुम घर का बताओ. गृह सदन निकेतन. नमस्कार, आपका एडकॉनमर में स्वागत है. मेरा नाम आदित्य कुमार है. मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ. मेरा विषय हिंदी है. मेरा शीर्षक होली है. मेरे लिए मेरे मित्र प्रेरणा शाश्वतान्य दीपाली यदि रंगों का त्यौहार है. होली भारत के लोकप्रिय त्यौहार में से एक है. होली बुराई पर अच्छा सत्य पे सत्य की विजय का प्रतीक है. रंग गुलाल पिचकारी और पानी वाले गुब्बारों से खेलते हैं. रंगों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए. हमें हमेशा संगमार पे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. मुझे होली बहुत पसंद है. वो होली की हार्दिक शुभकामनाएं. मिलिए मेरे दोस्तों से. ये है ये है पूनम, ये है रिजवान, ये है मयंक. ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं. उन्हें मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है. मैं आप सबसे एक पर्यायवाची शब्द पूछूं, आप बताएंगे? मैं आपसे एक पर्यायवाची शब्द पूछूं, आप तो बताएंगे? जी हां, बताएंगे. चंद्रमा, चांद, शशि. मैं आपसे पर्यायवाची शब्द पूछूं, आप सब बताएंगे? जी हां, बताएंगे. बादल, पहाड़. मैं आपसे एक पर्यायवाची शब्द पूछूंगा कि आप लोग बताएं. कहानी कॉर्नवाल में स्वागत है. हम कक्षा 2 में पढ़ते हैं. हमारा आज का शीर्षक पृथ्वी दिवस है. पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को 19 अप्रैल को मनाया जाता है. पहली बार 22 अप्रैल को 1970 में मनाया गया. हमें पृथ्वी पर स्वच्छता बना. आज के दिन पृथ्वी व पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया जाता है. दिवस हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है. जमीन बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए. पृथ्वी पे जीवन संभव है. गोइंग टू लर्न अबाउट राइमिंग वर्ड्स. आर टू आर मोर दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड. सम एग्जांपल ऑफ वर्ड आर गोट, वोट, क्लास, मास, फ्लोट, क्लोट, काइट, चाइल्ड. Words are rhyming words because all their ending sounds are same. Take a poem and find out some couple of rhyming words. A bicycle, I pedal and the bell goes tinkle tinkle and all move aside. When the road is narrow, car bus struck backs. My cycle move like an arrow in chase of tracks. We are studying class 2nd C. Welcome to our topic is tense. The tense is a form of a verb that shows something happened. Are three types of tense: present tense, past tense, future tense. Tense refers to something that takes place in the present. Example: I am playing. Past tense refers to the action or event that happened past. Example: I saw a movie last week. It refers to the action or event that will get happen in the future. Example: I shall go.
types: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. Thank you, everyone. Hello, sir and ma'am. Welcome to our advent hall. I am Anavya and we are children of class 2nd from Assam Public School. Today we are going to introduce some good manners. A good listener. Help others. A good friend. Be kind. Thank you. एडु कार्निवल वी आर फ्रॉम क्लास सेकेंड ए। आज हम लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग क्या होता है? पुल्लिंग के बारे में जिस सबसे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। भेद होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, आदमी, मोर, बैल आदि। सब जो स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, औरत, मोरनी, गाय आदि। Everyone, we are going to present the painting in front of you. People, make a painting. But I can't draw. You can do it. Let's make people come with a painting. Brown and green spots. What is people? The cow sitting the grass under the blue sky. When the cow in the grass. The cow sitting the grass and the class 4A, and today we are presenting the story about how the trees remain on the street forever. True and dead. Once upon a time, in the way to the long south, what people in Chipper has left behind as it had broken its feet and could not fly with others. It was alone and looked around to see if there was a place where it could be safe and warm. Suddenly it saw the trees in the forest and decided to ask for help. First it went, "Beautiful birch tree, my wings is broken and my friends have flown away. My own bird to help. That is too long time, and you will eat my apples during that time. I don't want to give you my apples. So go back to the willow tree to get your spawn my branches. So get away." So the poor bird, where are you going? "I don't know. I am feeling very cold. I can help you come and sit on my bark." The forest, no, the trees that have shown kindness to the little bird. Make her at your wings. Burger, pizza, chicken wings, tacos, french fries, onion rings, ice cream, donuts, cookies, cakes, soda, chips and chocolate sticks. Things I like too much: breakfast, dinner, snack and lunch. Every meal I eat includes more and more and more fast food. Yet with every meal, fast food make me slow. Eat me, eat me, eat me. I am healthy food. Eat my dinner, Lisa, because I am tasty and delicious to eat.